हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अहद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। होप यू आर वेरी वेल। सो दिस इज़ योर एर्थ लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फॉर क्लास 10th। वी आर कवरिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वी हैव टू सी फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सो इन दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड वी आर कवरिंग इन लास्ट लेक्चर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड फोर एग्जाम्पल हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड बाई अस। तो चार एग्जाम्पल पहले ही हम लोगों के कवर हो चुके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, है ना। इस लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे बेसिकली कि देखिए, हमने बताया था डिकम्पोजिशन तीन मेथड से हो सकता है। एक तो हीट कर दीजिए सिंपली, और एक क्या है इलेक्ट्रिसिटी से उसको तोड़ दीजिए कंपाउंड को, और तीसरा क्या था सनलाइट के प्रेजेंट में रख दीजिए तो वो कंपाउंड अपने आप टूट जाएगा। तो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आज वही देखेंगे कि अगर हम लोग पहला केस तो कंप्लीट कर लिए कि सिंपली हीट करने से कैसे डिकम्पोज होता है ना। अब दूसरा केस क्या है हम लोग का बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फोर है ये एग्जाम्पल नंबर फाइव है। लेकिन क्या है बच्चों कि अब हम लोग सिंपली हीट करके कंपाउंड नहीं तोड़ेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पे क्या होगा, वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, है ना। चलिए, सो ऑल अबव डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैव बीन कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ हीट। तो जितना अभी तक हम लोग देखे हैं वो क्या देखे हैं कि हीट देने पर क्या हो रहा था, डिकम्पोज मतलब टूट रहा था कंपाउंड, है ना। जैसे हम लोग CaCO3 को देखे थे, सिंपली हीट कर देंगे तो CA मिल जाएगा, CO मिल जाएगा, प्लस O2 मिल जाएगा, है ना। इस तरीके का कुछ मतलब कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीट देना पड़ता है। तो सारे का सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने क्या देखा था, बाय द एक्शन ऑफ हीट, मतलब हीट दे रहे हैं तब टूट रहा है। अब क्या देखेंगे हम लोग कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी देने पर टूटता है। तो एग्जाम्पल फाइव है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल फाइव है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एट एसिडिफाइड वाटर इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे हमने जो H2O लिया है ना, वाटर का मॉलिक्यूल लिया और इसको इलेक्ट्रोलाइज कर दिया, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करा दी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डिकम्पोजिशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमको मिल जाएगी, है ना। चलिए, इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड वाटर स्प्लिट अप टू फॉर्म टू सिंपलर सब्सटेंसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो तरह के सिंपलर सब्सटेंस देता है हमको, कौन डिकम्पोज होके, एक सिंगल वाटर डिकम्पोज होके। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह का डिकम्पोजिशन कैसे होगा इलेक्ट्रिसिटी देने पे, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब टूट जाना वाटर, लाइसिस मतलब टूट जाना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी देना। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद जब वाटर का टूट जाना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। वी कैन कैरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एज फॉलोज। अच्छा बच्चों, हम इससे पहले आप लोगों को कुछ समझाना चाहेंगे, ये डायग्राम दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सिंपली समझाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आज मैं बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आप लोगों को क्योंकि काफ़ी अच्छा है ये। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है आप समझिए बच्चों, क्या टर्म आपको सोचना है। देखिए, एक बीकर लिया है ना, एक बीकर में हमने कुछ सोल्यूशन लिया है ना। अब इस पे हम क्या लगा देंगे, दो रॉड लगा देंगे, दो बच्चों हम लोग इस पे रॉड लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी एक प्लेट को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से, और दूसरे प्लेट को भी कर देंगे। लेकिन एक साइड क्या होगा पॉजिटिव होगा और एक साइड क्या होगा नेगेटिव होगा, प्लेट पोल, यानी जिधर ये पोल आपको ये ऐसा दिख रहा है वो नेगेटिव साइड है और ऐसा दिखने वाला क्या है पॉजिटिव साइड है, है ना बच्चों। तो आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक हमने बीकर लिया, उसके अंदर हमने सोल्यूशन डाला और दो रॉड लगा दिए, है ना, मेटल की रॉड, कोई भी मेटल ले लीजिए, यहाँ पे प्लेटिनम वगैरह ले लीजिए, प्लेटिनम की ये भी रॉड है और प्लेटिनम की ये भी रॉड है, ठीक है बच्चों। अब इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी के नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट से। तो जो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड होगा वो क्या हमारा होगा, कैथोड होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं,
कि इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, कैथोड, और इस वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे जो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है बैटरी के, एनोड। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव से बता रहा हूँ, बाद में आप लोग ऐसे याद करेंगे कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे जो H2O होगा ना बच्चों, वो टूटेगा, किस में टूटेगा, H प्लस और O2 माइनस में, है ना, मतलब कुछ ऐसा टूटेगा, स्प्लिट करेगा, तो H प्लस किधर भागेगा, है ना, प्लस वाला माइनस की तरफ भागेगा, ये पूरा देखिए ये माइनस होगा ना, ये पूरा माइनस होगा, तो जो प्लस वाला होगा वो माइनस की तरफ भागेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना, और जो माइनस वाला होगा वो कहाँ भागेगा, प्लस वाले की तरफ, ये सब प्लस होगा क्योंकि एनोड से जो जुड़ा रहता है वो क्या होता है, प्लस होता है, तो ऑक्सीजन इधर गया और प्लस, मतलब यहाँ पे O2 माइनस था ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको क्या किए, दे दिए और क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस बन गया। यहाँ पे H प्लस क्या कर रहा था, यहाँ जा करके इलेक्ट्रॉन ले रहा था, और O2 माइनस क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके दे रहा है, इस वाले पे कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। समझ में आ रहा बच्चों ये डायग्राम, एक बार और समझ लीजिए, एक बीकर में हमने सोल्यूशन लिया, ठीक है ना, दो रॉड लगाए, दोनों प्लेटिनम का इनर्ट ले लिया या कुछ भी किसी का भी ले लिया, है ना, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, एक को नेगेटिव पोल से और एक को पॉजिटिव पोल से, नेगेटिव वाले साइड को क्या बोला, कैथोड, पॉजिटिव वाले साइड को क्या बोला, एनोड। अब जैसे ही वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो हाइड्रोजन किधर मिलेगा, कैथोड पे, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में टूटेगा ना, H प्लस कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ मिलेगी। O2 माइनस मतलब जो ऑक्सीजन है वो माइनस के फॉर्म में रहेगा, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा पॉजिटिव वाले प्लेट पे, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस। यानी कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो एनोड पे कौन मिलता है, ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे कौन मिलता है, हाइड्रोजन गैस। इतना आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ आया तो आगे इससे समझिए, ठीक है। हम इसी रिएक्शन को कैसे समझ सकते हैं, देखिए ये देखिए, हम क्या देख रहे थे कि H2O को हम सिंपली क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करा देंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को समझना है कि कैसे हुआ ये। इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड वाटर स्प्लिट अप इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। वी कैन कैरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एज फॉलोस, पहला, टेक अ वाइड माउथेड ग्लास बॉटल बी विद बॉटम रिमूव्ड, फिक्स्ड इट ऑन अ स्टैंड इन द इन्वर्टेड पोजिशन एज शोन इन द फिगर 40। अच्छा, इस फिगर में क्या कह रहा है कि हम लोग क्या ले, टेक वाइड माउथेड ग्लास बॉटल, मतलब चौड़ा जो है हमने क्या ले लिया, मतलब एक तरीके का बीकर समझिए बच्चों, है ना, ज़्यादा कुछ इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। अ रबर कॉर्क हैविंग टू होल्स इज फिटेड इन द नेक ऑफ बॉटल, अब बॉटल के नेक में क्या किया हमने, रबर कॉर्क लगा दिया। अब रबर कॉर्क क्यों लगाते हैं बच्चों, ताकि इंसुलेशन हो सके यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी आपका कंडक्टर ना बने, उसका ये डायग्राम जब आप आगे देखेंगे हायर क्लास में तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे बस ये समझिए कि रबर कॉर्क लगाते हैं, दो हमने ट्यूब ले लिया, है ना, एक हमने क्या ले लिया यहाँ पे, कंटेनर ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों चीज़ अभी हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ये समझिए पहले। देखिए ये ग्लास बॉटल विदाउट बॉटम, ये ग्लास का जो है क्या है, बॉटल है जो कि क्या नहीं है, बॉटम नहीं है इसका, बॉटम ना होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, रबर कॉक लगा देंगे, है ना, रबर का कुछ लगा देंगे। अच्छा, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब हमने इसमें लगा दिया, सेट कर दिया, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे ना, कैथोड और एनोड, उसी से हमको आगे डील करना है। लेकिन अभी टेंथ के लिए आप ये समझिए कि दो हमने क्या लगा दिया है, वाटर सॉरी इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दिया, यहाँ पे एक ट्यूब और यहाँ पे दो ट्यूब लगा दिया, है ना, उल्टा करके इसमें सेट कर दिया है, कॉर्क जहाँ लगा ना, रबर कॉर्क, यहाँ पे दो रॉड दिख रही है, ठीक है बच्चों। ये टेस्ट ट्यूब इसलिए लगाते हैं ना बस, इसका कोई यूज नहीं है, इसका बस ये यूज है कि जो गैस निकलेगी इस इलेक्ट्रोड पे, इस वाले रॉड पे, दोनों रॉड पे, वो इसमें कलेक्ट हो जाए टेस्ट ट्यूब में, है ना बच्चों। और वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन में क्या है, वाटर है, वाटर में क्या डाला हमने, कुछ थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, यानी ये सॉल्यूशन डाल दिया। अगर प्योर वाटर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को वो अच्छे से कंडक्ट करेगा नहीं,
है ना, हमको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर नहीं चाहिए, हम लोग को थोड़ा सा इम्प्योरिटी उसमें चाहिए, आयन्स प्रेजेंट हो। तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, एच प्लस आयन होता है और सल्फेट आयन होता है ना, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मूव कर पाएगा सोल्यूशन में। सारा डायग्राम समझ में आ रहा बच्चों? देखिए अभी हमने उस तरह के दिखाया था ना कि जब कंटेनर लिया, इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड और एनोड जो है कैसे माना था, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पे ज्वाइन करने के बाद, इसको समझिए ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस सबसे नहीं मतलब है, क्लैंप वगैरह से कोई खास मतलब नहीं है, इसको बस सेट करने के लिए स्टैंड से लगाया जाता है। अच्छा, कार्बन रेड कलर का कैथोड होगा है ना, कार्बन रेड कलर का एनोड होगा, वहाँ पे हम क्या दिखाए थे आपको, प्लेटिनियम का कैथोड प्लेटिनियम का एनोड दिखाए थे। यहाँ पे क्या है, कार्बन का ही क्या है, कैथोड है और कार्बन का ही एनोड है। कैथोड क्या क्या होता है बच्चों, जो नेगेटिव प्लेट से मतलब कनेक्टेड होता है। ये देखिए बैटरी है ना, इसमें नेगेटिव प्लेट से कौन कनेक्टेड है, कैथोड। यहाँ पॉजिटिव प्लेट से कौन कनेक्टेड है, एनोड। फिर से एक बार समझिए बच्चों अच्छे से। देखिए एक हमने क्या लिया, ग्लास बॉटल लिया, इसका बॉटम नहीं था। बॉटम ना होने के बाद क्या हमने क्या कर दिया, रबर का कॉर्क लगा दिया है ना, मतलब पानी ऐसा ना हो गिर जाए, कुछ सॉल्यूशन गिर जाए है ना। और क्या था, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दिया। कहाँ पे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है ना, कैथोड और कार्बन का रॉड दोनों दिख रहा है ना, इधर एक ये रॉड दिख रहा है, एक ये रॉड दिख रहा है, रबर कॉर्क के अंदर से ये रॉड आई है ना, तो ये कैथोड होगा क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है बैटरी के। ये एनोड होगा क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है बैटरी के, है ना। अच्छा, यहाँ पे स्विच विच लगाया है, स्विच ऑन करेंगे तब ये क्या होगा, कंडक्शन होगा ठीक है ना। अच्छा, और क्या है, यहाँ पे वाटर कंटेनिंग क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसमें डाला था, रबर कॉर्क था, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको बच्चों अच्छे से डायग्राम है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा, कैथोड पे हमने बोला था ना बच्चों कि हाइड्रोजन जा करके क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब H प्लस जा करके एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या करेगा, तो H प्लस जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और दोनों के बीच में आपस में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का माइनस वाला कहाँ जाएगा, एनोड पे, प्लस वाले पे, इस वाले रॉड पे, और ऑक्सीजन का माइनस इस वाले रॉड पे जाएगा और उससे क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा है ना। और क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा जो कि बबल के रूप में इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा ठीक है। अब चलो पढ़ करके अच्छे से समझते हैं। वी कैन कैरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एज फॉलोस। पहला, टेक अ वाइड माउथेड ग्लास बॉटल बी विद बॉटम रिमूव, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड द इन्वर्टेड पोजिशन एज सोन इन द फिगर। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमने बिना बॉटम वाला क्या ले लिया, ये कंटेनर ले लिया, उसमें हमने रबर कॉक को फिट कर दिया। अ रबर कॉक हैविंग टू होल्स इज फिटेड इन द नेक ऑफ द बॉटल। बॉटल के नीचे है ना, बॉटल के नीचे हमने किसको फिट कर दिया, रबर कॉक को है ना। ये एक बॉटल लिया था, बॉटल ले लो, कंटेनर ले लो, कुछ भी ले लो बच्चों, उसके नीचे माउथ नहीं था मतलब बॉटम नहीं था, और उसमें हमने क्या लगा दिया है, ये रबर लगा दिया है, दो होल है, दो होल में से हम क्या लगाएंगे, ये दोनों रॉड ले जाएंगे ठीक है बच्चों। टू कार्बन रॉड्स कॉल्ड कार्बन इलेक्ट्रोड्स, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अगर नेगेटिव वाले को बोलना है तो क्या बोलेंगे, कैथोड। पॉजिटिव वाले को क्या बोलना है, एनोड ठीक है ना। तो दो हमने कार्बन के रॉड क्या किए, आर फिक्स्ड इन द टू होल्स ऑफ द कॉर्क टाइटली, मतलब दो जो होल दिख रहा है इसमें से हमने फिट कर दिया, ये कॉर्क है ना रबर का, उसके अंदर दोनों होल बनाए हैं और उसके अंदर हमने ये कार्बन की रॉड फिक्स कर ली ओके। चलिए, ये एक्चुअल में कार्बन का मतलब क्या है कि ग्रेफाइट का रॉड होता है ना बच्चों। थर्ड, फिल द ग्लास बॉटल टू थर्ड विद वाटर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या लिया था, प्योर वाटर लिया था, उसमें कुछ थोड़ा बहुत डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया ताकि क्या है, इसमें कंडक्शन हो सके इस सॉल्यूशन में। अगर प्योर वाटर ले लेते तो क्या होता बच्चों, कंडक्शन नहीं हो पाता ठीक है, तो हमारा ये गैस नहीं मिलता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो मिलना है वो नहीं मिलता बच्चों ठीक है ना। चलिए, फिल द ग्लास बॉटल टू थर्ड ऑफ विद वाटर। ग्लास का बॉटल हमने किससे फिल कर दिया, टू थर्ड हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया है ना, और एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ ड्रॉप हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया टू वाटर टू मेक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि अच्छा कंडक्टर ये बन सके ये सोल्यूशन। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, टू सिमिलर टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर आर केयरफुली इन्वर्टेड ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स
by keeping thumb over their mouth so that initially they remains completely filled with water. अच्छा क्या कह रहा है, दो सेम तरह के टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग, है ना, जिसमें वाटर भरा हो थोड़ा, ठीक है, और केयरफुली उसको क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, मतलब उल्टा इसमें हम जो ये एनोड और कैथोड दिख रहा है इसके ऊपर सेट करेंगे, है ना, बाई मेकिंग थंब ओवर देयर माउथ सो दैट इनिशियली दे रिमेन्स कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर. अच्छा इसका हम माउथ ऐसे थंब से पकड़ लेंगे इस वाले इन्वर्टेड ट्यूब का, ताकि वाटर जो उसके अंदर है वो क्या ना हो, वो अनफिल्ड ना हो, ठीक है, उसको ऐसे सेट कर देंगे. ओके बच्चों, अब देखिए, कनेक्ट द आउटर एंड्स ऑफ कार्बन रॉड्स टू द टू टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी बाई वायर हैविंग अ स्विच इन देम. द लेफ्ट साइड कॉल्ड, मतलब लेफ्ट साइड का जो क्या होगा वो क्या कहलाएगा, कार्बन रॉड को कनेक्टेड करेंगे नेगेटिव पोल से. लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन रॉड है किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव पोल से, तो इसको क्या बोलेंगे, कैथोड. राइट साइड वाला क्या है, पॉजिटिव, मतलब पोल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के, इसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, है ना. तो मतलब ये क्या कह रहा है कि दोनों रॉड को आप केयरफुली किससे कनेक्ट करिए, बैटरी के रॉड से कनेक्ट करिए, मतलब बैटरी के पोल से. इसको नेगेटिव पोल से कर दीजिए, तो जिसको नेगेटिव पोल से करेंगे उसका क्या नाम हो जाएगा, कैथोड. जिसको पॉजिटिव पोल से करेंगे बैटरी, उसका क्या नाम हो जाएगा, एनोड. बात समझ में आ गई बच्चों. अब देखिए डायग्राम आप लोग अच्छे से देख चुके होंगे. तो नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी जो कनेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, कैथोड. और जो राइट साइड में हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको क्या बोलेंगे, एनोड. ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी है. अब देखिए जो 6 पॉइंट है, पास इन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, पास क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे थ्रू वाटर बाई टर्निंग ऑन द स्विच एंड लीव द apparatus undisturbed for some times. अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कि जो हमारा स्विच ऑफ था जब सर्किट हमने बनाया, ये तो स्विच ऑफ था, तो स्विच ऑन करेंगे. अब स्विच ऑन करेंगे तो कंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, है ना, फिर देखिए क्या होता है. वी विल सी द बबल्स ऑफ गैस बींग फॉर्म्ड एट बोथ द कार्बन इलेक्ट्रोड इन साइड द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर. दीज गैसेज आर फॉर्म्ड बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा बच्चों, अब क्या हो रहा है कि जो हमने इन्वर्टेड जो यूट्यूब ग्लास लिया था ना, मतलब इन्वर्टेड यूट्यूब लिया था ना, उसमें क्या होगा बच्चों, हमको गैसेज मिलेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ पर बताया था मैंने, कि ऑक्सीजन जो है एनोड पर मिलेगा, और हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा. ठीक है, वही गैस बबल हमको दिखेगा उसमें, कहाँ पर, लेफ्ट साइड के टेस्ट ट्यूब में हम जो कैथोड लिया था उसमें क्या आएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आएगी, और राइट साइड पे जो टेस्ट ट्यूब लिया था एनोड उस पर क्या आएगा, ऑक्सीजन गैस आएगी. ठीक है बच्चों, द ग्लास फॉर्म्ड, द गैसेस फॉर्म्ड एट द टू इलेक्ट्रोड्स गो ऑन कलेक्टिंग इन द टॉप पार्ट्स ऑफ इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब. मतलब वही कह रहा है, गैसेस को हमने किस में कलेक्ट कर लिया, टेस्ट ट्यूब में, है ना. देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब में क्या किया है, गैसेस को कलेक्ट कर लिया है. यहाँ पे टेस्ट ट्यूब दिख रहा है ना, यहाँ पे गैसेज आ करके कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे ऊपर. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैसेज कलेक्टेड इन द टू टेस्ट ट्यूब इज नॉट द सेम. जो वॉल्यूम होगा गैस का वो सेम नहीं होगा बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं वाटर में H2O में दो हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है. तो 2 मोल अगर H2 गैस मिलेगा तो 1 मोल हमको क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगा. ठीक है ना, ये मोल कॉन्सेप्ट जो समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है ना. द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. मतलब ये क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, हाइड्रोजन वाले से कम है. तो हाइड्रोजन कहाँ मिल रहा था, कैथोड पे, तो उसका वॉल्यूम डबल होगा ना बच्चों, क्योंकि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन जहाँ पे मिलेगा वो ऑक्सीजन का डबल मिलेगा. तो जो नेगेटिव वाला प्लेट रहेगा कैथोड, वहाँ पे हाइड्रोजन क्या मिलेगा, अगर 2 मोल मिलेगा वॉल्यूम में, तो ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव वाले पे 1 मोल मिलेगा. ठीक है, ये गैस को एक्सप्रेस मोल में कर सकते हैं हम लोग, है ना. अच्छा, कीप एन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट टिल बोथ द टेस्ट ट्यूब आर कम्प्लीटली फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेज. देन रिमूव द गैस फिल्ड टेस्ट ट्यूब केयरफुली एंड टेस्ट देम वन बाई वन, ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द ईच, मतलब ट्यूब. अच्छा बच्चों, यहाँ पे जब हमको गैसेज मिल गई ना, यहाँ पे गैस मिल गई,
अब टेस्ट ट्यूब को हम लोग ऐसे निकाल करके वहाँ पे बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, उसके माउथ पे रखेंगे, है ना। बात समझ में आई? टेस्ट ट्यूब में जहाँ गैस कलेक्ट हो गई उसके माउथ के पास हम क्या ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, है ना। वेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब द गैस इन इट बर्न्स रैपिडली मेकिंग अ पॉपिंग साउंड। अब जो इसमें गैस होगी वो बहुत क्या होगा, तेज़ी से बर्न होने लगेगी, है ना। जो टेस्ट ट्यूब में हमने गैस कलेक्ट की है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या होने लगेगी, बर्न होने लगेगी। वी नो दैट हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, पॉपिंग साउंड कर देता है जब बर्न करते हैं उसको। सो द गैस कलेक्टेड इन लेफ्ट टेस्ट ट्यूब ओवर नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच हैड डबल्ड द वॉल्यूम, मतलब इज हाइड्रोजन। अच्छा क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, इसकी लैंग्वेज वगैरह पे आप कन्फ्यूज मत होइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो हाइड्रोजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब में होगा उसमें क्या होगा, उसको जब कैंडल के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, बर्न होगा, वो बर्न होगा, पॉपिंग साउंड देगा। तो मतलब जो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे आया था वो हाइड्रोजन गैस था, वही उसका टेस्टिंग, मतलब ऐसे टेस्ट किया जाता है ना। अच्छा ये क्या कह रहा है, वेन अ बर्निंग कैंडल, ठीक है ये समझा दिया गया है ना। चलिए वेन द बर्निंग कैंडल इज टेकन नियर द माउथ ऑफ द राइट साइड टेस्ट ट्यूब द कैंडल स्टार्ट्स बर्निंग ब्राइटली। वी नो दैट ऑक्सीजन गैस मेक्स थिंग्स बर्न ब्राइटली, सो द गैस कलेक्टेड इन द राइट साइड टेस्ट ट्यूब ओवर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीजन। है वॉल्यूम क्या बोला बच्चों, वॉल्यूम ऑक्सीजन का 1 था और हाइड्रोजन का 2 था, इसलिए ये वॉल्यूम लिख रहा है। अब हम जान रहे हैं कि बहुत क्या होता है, ब्राइटली बर्न करता है अगर ऑक्सीजन गैस होगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बर्न करने पे पॉपिंग साउंड देता है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए ये क्या आया, इस वाले टेस्ट ट्यूब को हम बर्निंग कैंडल के पास ले गए तो क्या आया, पॉपिंग साउंड आया, तो इसमें हाइड्रोजन गैस है। इस वाले टेस्ट ट्यूब को हम ले गए बर्निंग कैंडल के सामने, इसका माउथ रखे तो इसमें से गैस जो निकल के जलेगी वो बहुत ब्राइट कलर, मतलब बहुत ब्राइटली जलेगी, है ना, बहुत ब्राइटनेस होगा उसमें, तो हम समझ जाएंगे तुरंत ये क्या है, ऑक्सीजन गैस। बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा बच्चों, सिंस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वी कंक्लूड दैट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स इन वाटर इज 2:1 बाई वॉल्यूम। इन अदर वर्ड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर शोज दैट वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, सो द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। बात समझ में कैसे H2O फार्मूला बना, 2 वॉल्यूम हमको क्या किसका मिला था, हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम किसका मिला था, ऑक्सीजन का, फार्मूला हमने बना लिया H2O, ठीक है। प्लीज नोट दैट व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म। अच्छा अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करा दें तो वाटर फॉर्म हो जाता है, एंड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म। अच्छा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिला दीजिए तो वाटर बन जाएगा, वाटर को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइज कर देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा, ये तो सभी कॉमन सी बात है। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन वाटर। अच्छा दिस एग्जांपल सो दैट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब 2 को मिलाने से 1 बनेगा तो 1 को तोड़ने से 2 बन जाएगा फिर से, यही तो दिखाता है। जैसे NaCl का हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया तो सोडियम मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा, है ना, ये डिकम्पोज ही तो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी देने से हम डिकम्पोजिशन ही तो कर रहे हैं। अच्छा बच्चों ये बताइए कि कौन मिलेगा कैथोड पे और कौन मिलेगा एनोड पे। तो बच्चों Na+ होता है और Cl- होता है, Na+ जा करके कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा, कैथोड पे, तो क्या बना लेगा, सोडियम बना लेगा। क्लोरीन माइनस कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, जा करके एनोड पे, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है, तो क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगी। बात समझ में आई? अच्छा दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज टू ऑब्टेन सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अच्छा हम इस तरीके से सोडियम क्लोराइड से क्या निकाल लेते हैं, सोडियम का मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस से। अच्छा अब हम लोग 7वां एग्जांपल देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टन अमोनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड से, इट डिकम्पोजेस टू गिव एल्युमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 लिक्विड फॉर्म में लेंगे, इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इससे तो एल्युमिनियम 3+ होता है ना बच्चों, तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे मिलेगा। अभी से ये सब समझिए, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये सब, है ना। एल्युमिनियम 3+ मतलब एल्युमिनियम कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे, है ना, और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, एनोड पे, ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे ये रिएक्शन हम लोग को होती है। बाकी बैलेंसिंग कर लीजिएगा, Al2O3 यहाँ बैलेंस किया हुआ है, आप लोग डायरेक्ट अपने से किया करिए बच्चों, Al2O3 लिखिए है ना, डिकम्पोज कराइए एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैस में, फिर अपने से आप बैलेंसिंग करना इसको कोशिश करिए, सारी रिएक्शन जो है खुद से बैलेंस करना आप लोग कोशिश किया करिए। ओके अच्छा, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके अब हम लोग यहाँ तक क्या देख लिए हैं कि डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिसिटी, पहला क्या देखे थे डिकम्पोजिशन बाई हीट, दूसरा क्या देखे हैं डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिसिटी, अब थर्ड क्या देखेंगे बच्चों हम लोग डिकम्पोजिशन बाई सनलाइट। तो बच्चों थोड़ा सा मैंने जो इनिशियली आपको बताया था उसको मैं एक बार और आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप जब ये लेक्चर जो है कंप्लीट करें तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। देखो बच्चों हमने क्या क्या कहा था आपसे कि एक हम लोग क्या लेंगे कंटेनर लेंगे, इसी को तो मतलब उसका टर्म जो था ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, वर्डिंग जो है आप उसमें मत जाइए, क्या कहना चाह रहा उसको समझिए। एक कंटेनर ले लिया, उसमें हमने क्या लिया वाटर लिया है ना, और कुछ हमने क्या डाल दिया H2SO4 डाल दिया, H2SO4 डालने पे क्या होगा H+ और SO4- हमको मिल जाएगा, यानी कि एक H2SO4 में से दो H+ और SO4 2- निकलता है, ऐसे ही सोल्यूशन में बहुत सारे होंगे। अब प्लस और माइनस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा इसमें से कंडक्ट हो पाएगा, प्योर वाटर लिंगक नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसमें हमने क्या किया था इलेक्ट्रोड लगाया था है ना, दो इलेक्ट्रोड लगाया था, अब इसको हमने कार्बन का लिया यानी ग्रेफाइड लिया दोनों, ठीक है अच्छा, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो नेगेटिव पोल वाला जो होगा बैटरी का वो क्या होगा, देखिए ये होगा पॉजिटिव पोल, ये होगा नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल से कौन कनेक्ट होगा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस वाले रॉड पे है ना, इसको क्या बोलेंगे हम कैथोड बोलेंगे, ठीक है पॉजिटिव साइड वाले से कौन जुड़ा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर सारे रॉड पे, इसको क्या बोलेंगे एनोड बोलेंगे। जितने जिसने इस टर्म को समझ लिया बच्चों सब कुछ समझ जाएगा है ना, यही चीज़ तो डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कर दिया और सिंपली हम लोग को इतना आसान समझना है बस है ना, बैटरी के नेगेटिव पोल से कैथोड जुड़ा होगा, बैटरी के पॉजिटिव पोल से एनोड जुड़ा होगा है ना, सोल्यूशन में वाटर ही नहीं रहेगा, क्या क्या रहेगा जैसे कुछ भी ऐसा डाल देंगे जो आयंस में ब्रेक हो जाए, ठीक है ताकि इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे अब कंडक्शन ही नहीं होगा तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव करके फिर ऐसे कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, तो उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो जिसने इतना समझ लिया उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही वाटर अब टूटेगा इसमें वाटर है ना तो H+ और OH मतलब क्या टूटेगा ऑक्सीजन में टूटेगा O2- में है ना, 2H+ और 2O2- में टूटेगा तो H+ किधर जाएगा बच्चों कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी हमको कैथोड पे, और ऑक्सीजन O2- कहाँ जाएगा एनोड पे, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्या बना लेगा ऑक्सीजन गैस। इतना टर्म समझ जाने के बाद आप लोगों को ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होगी, एक बार रिवाइज करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है थोड़ा सा वर्डिंग जो होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बाकी चीज़ें बहुत सिंपल है ना। अब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पर गैस जो बनी और नेगेटिव वाले प्लेट पे कौन आएगा हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे हम मान लीजिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दें कि यहाँ पे एक ट्यूब लगा दें है ना बच्चों, यहाँ भी एक ट्यूब लगा दें ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दें तो कुछ गैस जो पॉजिटिव वाले प्लेट पे बनेगी जो ऑक्सीजन गैस होगी वो इस ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगी, जो नेगेटिव वाले पोल पे बनेगी जो हाइड्रोजन गैस होगा वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा है ना इस वाले टेस्ट ट्यूब में। अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने निकाला पकड़ा मतलब पैक किया और उसको बर्निंग कैंडल के सामने इसका माउथ खोला ले जा करके, अब जो बहुत ब्राइट जलेगा वो समझ जाएंगे ऑक्सीजन है, जो ऐसा जलेगा कि जिसमें से पॉपिंग साउंड आ रहा है उसको समझ जाएंगे हाइड्रोजन है, यही तो समझना था बस इस पूरे रिएक्शन में। और इसमें हुआ क्या बच्चों, इसमें क्या हुआ है कि जब हम लोग H2O को इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिए है ना, पास करा दिए तो ये किस में टूट गया है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट गया है। अब बैलेंसिंग आप लोगों का काम है बच्चों, कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो लिख लीजिएगा, सर बैलेंसिंग भी नहीं आ रही है एक लेक्चर आप उस पर बना दीजिए तो उस पर भी मैं बना दूंगा बच्चों, ठीक है तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, एक बार अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ी स्वास्थ्य मेरा ख़राब है इसलिए मैं रीडिंग थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा फीवर है बच्चों है ना, और मतलब आज भी लेक्चर बन नहीं पाता लेकिन मैं जानबूझ करके आज बनाया हूँ कि एक आध दिन मिस हो जाना, मतलब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो मेरी रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी नेक्स्ट लेक्चर तक होप कि सही हो जाऊँगा। लगातार बच्चों बोलते बोलते 9th, 10th, 11th, 12th सबको पढ़ाना रहता है, लगातार लेक्चर बनाते बनाते स्वास्थ्य खराब हो ही जाता है, ठीक है
तो आप लोग इतना समझ रहे होंगे, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। तो थोड़ा बहुत रीडिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, उतना बच्चे आप लोग खुद मैनेज कर लेंगे कि रीडिंग एक बार आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, है ना। जब स्वास्थ्य ख़राब रहता है तो उतना अच्छा आवाज़ नहीं निकलता बच्चों, और उतना कन्वीनियंट बच्चों को लगता भी नहीं। लेकिन जो हमने बताया है वो कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लेंगे तो ये हमेशा काम आएगा आपके। ये आपको 12th में फिर से इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ना है तो वहाँ पर ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।